Well, thank you, ladies and gentlemen. As I said, this is a very special moment for all of us. लेकिन सीएम साहब आपसे मैं कहना चाहता हूँ सबसे पहले छत्तीसगढ़ क्या पे क्योंकि ऐसा बड़ा इवेंट बॉक्सिंग इवेंट आप छत्तीसगढ़ में लाए रायपुर में लाए यकीनन आप खुश होंगे बहुत अच्छा लग रहा है पहली बार बॉक्सिंग का आयोजन हमारे छत्तीसगढ़ में और विशेष रायपुर में प्रोफेशनल बॉक्सिंग में सुनित हो रहा है और विजेंदर का मैच देखने के लिए विशेष रूप से सब लोग इंतजार कर रहे हैं हम साथ बैठे हुए हैं जी एक दो मिनट और इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि अब आप हमारे साथ हैं आपने क्या बॉक्सिंग को फॉलो किया विजेंदर के करियर को बॉक्सिंग में रुचि रखते हैं लगातार देखते रहे जब ये सब उन्होंने किया और बहुत सारे मेडल है तो निश्चित रूप से हम सबको गर्व होता है देखिए एक खिलाड़ी होने के प्रति और खेल प्रेमी होने के प्रति मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसे स्टेडियम जो आपने बनाए यहाँ रायपुर में और अलग अलग और सिलेक्शन ही पहली बार रायपुर में हो रहा है वो मैच चल रहा है और उसको पहले सेफ्टी मैच जिसको दूर कर रहा है तो वो मैच भी यहाँ हुआ है लगातार खेल को प्रोत्साहित करने के लिए अभी वोटर रेस इसी बाहर में हुआ था तो लगातार हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में और रायपुर में यहाँ के नौजवान भी उससे प्रेरित हों और खेलों को ज़्यादा से ज़्यादा रुचि लें और शर्मा जी मैं समझता हूँ पहली बार आपको आया हुआ जी मैं माफी चाहता हूँ कि रोड सेफ्टी सीरीज में मुझे आना था लेकिन वो उन्होंने लेट बुलाया मैं आ नहीं पाया लेकिन आज पहली बार आ रहा हूँ मैं बहुत ऐसे बहुत सारे लोग हैं पहली बार आए आ रहे हैं छत्तीसगढ़ देख रहे नया राज्य हमारा तो देश और दुनिया के लोग भी जाने जी जानेंगे जरूर इस फाइट नाइट की वजह से जानेंगे और जैसे स्टेट फॉर इंडिया में जैसे नीतीश शर्मा ने हॉकी लिया है गांधी स्टेट ने छोड़ लिया है हमें यही उम्मीद है कि छत्तीसगढ़ भी एक न एक स्पोर्ट को या कुछ और स्पोर्ट को एक तरह से अडॉप्ट करेगा उसको आगे बढ़ाएगा एक नेशनल लेवल पे इंटरनेशनल लेवल पे बिल्कुल हम लोग आर्चरी में बहुत अच्छा कर रहे हैं मलखम में भी हमारे बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं बैडमिंटन में भी अभी कॉमनवेल्थ गेम हुआ उसमें कहाँ से पता लेके आई दुर्गा की है कश्यप उन्होंने बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दिया तो हॉकी में भी प्रतिनिधित्व किए हैं हमारे यहाँ के जो लड़की है वो हॉकी का महिला हॉकी प्रतिनिधित्व किया और मेडल लेके आए जी इस बात में कोई शक नहीं है कि रायपुर और पूरे छत्तीसगढ़ में The 6-round super middleweight contest featuring some global icons.